आज के 8 डेमोन्स्ट्रेशंस और आज 8 का प्रदर्शन के लिए हमने ललित कला एकेडमी की तरफ से विजय राउत जी को इनवाइट किया गया है और विजय राउत जी आज 8 डेमोन्स्ट्रेशंस 8 प्रदर्शन करेंगे। उनको ललित कला की तरफ से हार्दिक वेलकम और हमारी तरफ से वेलकम आज की प्रोग्राम को आगे लेके जाने के लिए। और मैं माई रेस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड टू आवर माई चेयरमैन ललित कला अकादमी की चेयरमैन डॉक्टर उत्तम प्रचारणी जी को हार्दिक वेलकम करता हूँ। आज की जो प्रोग्राम है हमारी, इस प्रोग्राम में वेबिनार की प्रोग्राम है, प्रोग्राम को आगे लेके जाने के लिए मैं सार को अनुरोध करूंगा और आपको अशेष भी धन्यवाद दूंगा। बट आज की प्रोग्राम को आगे लेके जाने से पहले मैं चेयरमैन उत्तम प्रचारिणी जी के बारे में दो शब्द कहना चाहूंगा। मई 2018 में सार ने ललित कला की चेयरमैन की पद की जिम्मेदारी लिए हैं और माननीय राष्ट्रपति जी ने उनको ये जिम्मेदारी दी है और इस जिम्मेदारी को उन्होंने पिछले 2 साल में मोर देन 70 सक्सेसफुल बिग प्रोग्राम कर चुके हैं और आज का जो प्रोग्राम है उन्हीं की क्रिएशन है। उससे पहले भी हमने वेबिनार शुरू कर चुके थे लास्ट मंथ में और आगे भी और भी काफी सारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स के माध्यम से हम कला जगत के साथ जुड़े रहेंगे। उनकी प्रयास से आज ये प्रोग्राम आज आपके बीच में हम रख रहे हैं। सभी जुड़े हुए कलाकार दर्शक सभी को हार्दिक वेलकम है और आज ये भी पता है कि मुंबई में एक साइक्लोन भी है उसके बावजूद और इतने पैंडेमिक सिचुएशन के बावजूद भी चेयरमैन साहब ललित कला का जो 8 प्रमोशन के काम है और वे जुड़े हैं। सार के बारे में अगर छोटी सी शब्द बोलूं, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में मोर देन 20 इयर्स की कंट्रीब्यूशन उनके रहा है एज ए प्रेसिडेंट और उनको 1985 में नेशनल ललित कला अकादमी के अवार्ड मिला था और सेम 1985 में महाराष्ट्र में गौरव पुरस्कार उनको महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से मिला था। ही हैज आल्सो पार्टिसिपेटेड 88th ट्रेनाले इंडिया पार्टिसिपेशन में थे और 2017 में उनको जीवन गौरव पुरस्कार फ्रॉम प्रफुल्ल धारकर फाउंडेशन से उनको मिला था और उनकी कला की कलेक्शन इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे और ललित कला अकादमी एनजीए में मुंबई एंड स्कूल ऑफ आर्ट में भी उनके कलेक्शन है। ऑर्गेनाइज्ड मेनी सोलो एंड ग्रुप शोज जिसका मैं अगर बात करूं एंडलेस प्रोग्राम है और उनके बारे में अगर मैं बताने जाऊं तो खत्म नहीं होगा और मैं ज्यादा ना बोलते हुए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा प्रचारणी सार को कि आज विजय सुखदेव राव राउत जो कि फेमस पेंटर है और करेंटली प्रिंसिपल है कॉलेज ऑफ एनिमेशन बायो इंजीनियरिंग एंड रिसर्च सेंटर इन अमरावती महाराष्ट्र में उन्होंने सोलो शोज एंड गैलरीज में इंडियाज एंड इंटरनेशनल गैलरीज में अपनी शो दिया है और एक फेमस कार्टून एंड कैरिकेचर आर्टिस्ट है, पेंटर है और उन्होंने अपने नाम को इंडिया नॉट ओनली इंडिया नेशनली इंटरनेशनली भी एस्टैब्लिश किए हैं रिगार्डिंग द फील्ड ऑफ आज आर्टिस्ट एंड ए कैरिकेचर आज ए कार्टूनिस्ट आर्टिस्ट। तो आज का जो टॉपिक रहेगा विजय राउत जी वो अपनी पेंटिंग के साथ साथ कार्टून एंड कैरिकेचर की आर्ट के बारे में आज की जो प्रोग्राम रहेगा उसी में वो अपना एक्सपीरियंस आपके बीच में रखेंगे। बट उनको मैं उनके डेमोन्स्ट्रेशन उनकी कला की प्रदर्शन करने से पहले मैं अपनी रेस्पेक्टेड चेयरमैन सार को अनुरोध करूंगा कि उनके बारे में 2 शब्द बोले और उसके बाद आज के कार्य को शुरू करें। आई रिक्वेस्ट चेयरमैन सर डॉक्टर उत्तम प्रचारणी प्लीज। नमस्कार, ललित कला एकेडमी के कल्चर मिनिस्ट्री के वेबिनार प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं और मुझे इस बात की बहुत खुशी है जो भी ललित कला कार्य कर रही है
ये हमारा सबका ललित कला के स्टाफ का मिलजुल के ये प्रयास है। मेरे साथ में सभी लोग काम करते तभी 70-80 प्रोग्राम हम लेके जाते हैं। ललित कला एकेडमी का जो रोल रहा है वो स्थापना 1954 में हुई, कार्य प्रारंभ हुआ 1958 से। देश के कलाकारों को दुनिया के कलाकारों के साथ में जुड़ा करके देश की कला की जो कंटेम्पररी आर्ट है, आधुनिक कला शैली को देश दुनिया के साथ जोड़ने के लिए जो पहल किया है सरकार ने, तभी के जो कल्चर मिनिस्टर थे उनके द्वारा ये पहल की, और आज के तारीख में एक बहुत ही बड़ा ऐसा ललित कला का केंद्र देश में काम कर रहा है। हम लोग कल्चर मिनिस्ट्री के साथ में आते हैं और कल्चर मिनिस्ट्री का भी हमें जो सहयोग के तौर पे जो सहयोग मिलता है उसके ही चलते आज के जो हमारे कल्चर मिनिस्टर के जाने माने प्रहलाद सिंह जी पटेल जी है, ये हमारे कल्चर मिनिस्ट्री है, बहुत ही होनहार नेता है और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं, कार्यक्रमों में जुड़े रहते आते हैं, पूरा मिनिस्ट्री का सहयोग रहता है। आज हम अपने मुख्य कार्यक्रम की तरफ जा ले, दो चीज मैं आपसे बात करना चाहूंगा। केवल एंड कंटेम्पररी आर्ट का ये सेंटर नहीं है, हमारी जो धरोहर है चाहे ट्राइबल आर्ट है चाहे हमारा ट्राइब्स का क्राफ्ट है, देश और दुनिया में जिनका नाम है, जयपुर से, पहाड़ी शैली से, पूर्वांचल कला से, 200 से अधिक जो हमारे देश में ट्राइब्स है और उनका बेस चलते हैं, हमने में जो कला की प्रगति की है और अपने आधुनिक कला का जो रूप दिया है दुनिया इसको देखती रहती है। बहुत बड़े बड़े कलाकारों को हमने इसमें से पाया है, देश ने दुनिया में हमारे कलाकारों को देखा है। आज देश के संस्कृति के साथ में ललित कला का अपना एक बहुत बड़ा योगदान है। आज हमारे साथ में जो है कैरिकेचर एंड कार्टून, ये विषय को लेकर महाराष्ट्र स्कूल ऑफ आर्ट के स्टूडेंट है और विजय राव जी ऐसे कलाकार है जिनका अभी हम डेमोन्स्ट्रेशन वाले हैं। हम सब लोग अपने कला के बारे में विचार करते हैं कि मेरा पेंटिंग कैसा होगा, विजय राउत अलग विचार करते हैं। विजय राउत ये करते हैं कि हमारी जो कलाकृति है समाज में इस तो जो, और उन्होंने फिर कैरिकेचर को साउंड नहीं डाला मोहंत जी, साउंड नहीं आ रहा है मुझे। इस तरह से वो कला के साथ निर्माण हो गए, प्रेम भी नहीं दिख रही, ऑफिस की विजय राउत भी नहीं दिख रहे, केवल मैं दिख रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है। डिस्प्ले करिए सर, आपका आ रहा है अभी, बीच में थोड़ा सा आपकी दिक्कत हुआ था, विजय राउत जी की भी आ रहा है और अभी आपकी आवाज आने लगा, थोड़ा आपका आवाज में अभी दिक्कत हुआ था, अभी आने लगा है आवाज। तो विजय राउत की फ्रेम दिख रहे, दिखना चाहिए, विजय राउत नहीं दिख रहे स्क्रीन। विजय राउत जी मोहंती जी आवाज बराबर नहीं आ रही है। हाँ बीच में पॉज हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है। हाँ आपका आ रहा है, आप यू कैन स्टार्ट विजय जी, आपका आ रहा है मेरे को। और मैं विजय राव जी को कहूंगा कि आप अपने कला द्वारा आपका परिचय दे देंगे और हम आपको यहाँ देखते बहुत, हमें बहुत प्राउड है कि आज आपको कला संस्कृति के साथ, कल्चर मिनिस्ट्री के साथ, ललित कला के साथ आप जुड़ के हमें मार्गदर्शन करेंगे, कला को आगे ले जाएंगे। स्वागत है कैरिकेचर एंड कार्टून प्रोग्राम लेके आ रहे हैं विजय राव। नमस्कार पाचार्य सर जी, नमस्कार। नमस्कार आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत है विजय राव।
मोहंती जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ललित कला की तरफ से मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे ये चांस दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि तस्वीर नहीं दिख रही। आ रहे सर, आ रहे सर। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है सर। हाँ, तो मैं ललित कला का धन्यवाद अदा करता हूँ, उत्तम पाचारण जी का धन्यवाद अदा करता हूँ, आपका भी धन्यवाद अदा करता हूँ, और सभी लोग जो आपके साथ में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उनका सभी का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। और मैं ऐसा चाहता हूँ कि ये वेबिनार आप बहुत से लोग जो एक्सपर्ट है इंडिया में उनका ये वेबिनार आप ऐसा ही करते रहेंगे और ललित कला सभी लोगों को मतलब अच्छे एक्सपर्ट को चांस देगी जिसको जिसको देखने के लिए मेरे ख्याल से भारत की जनता, भारत के जो रसिक है वो आपके साथ में जुड़े रहेंगे। आज का जो विषय है वो विषय है कैरिकेचर एंड कार्टून। अब बेसिकली मैं शुरू करना चाहता हूँ ये सब कुछ बातें पहले। सबसे पहले कैरिकेचर एंड कार्टून का जो वेबिनार है वो ललित कला जैसे संस्था ने किया है पहली बार, तो मुझे बड़ा आश्चर्य भी हुआ, आनंद भी हुआ। और कैरिकेचर मतलब क्या है मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। कैरिकेचर मतलब कि कोई रियलिस्टिक जो कैरेक्टर है उसका निचोड़, उसको अर्क चित्र भी बोलते हैं। वो अर्क चित्र को मतलब सपोज एक रियलिस्टिक कैरेक्टर में किसी की नाक अगर बहुत लंबी है, किसी की आंखें बहुत छोटी है, किसी के लिप्स बड़े हैं, उस चीज को प्रोमिनेंटली दिखाना मतलब उसका निचोड़ निकालना। मैं ऐसा समझता हूं कि मेरे सामने जब कोई आदमी बैठा हुआ रहता है पोर्ट्रेट के लिए तो वो पोर्ट्रेट को मैं जेरॉक्स मारता हूँ, क्योंकि उसको उसके लिए अपना कौशल्य लगता है, खाली मुझे देख देख के बनाना पड़ता है। लेकिन कैरिकेचर एक ऐसी आर्ट है जिसमें हमको देखने के साथ में हमको सोचना भी पड़ता है कि अब ये एग्जैक्ट लाइकनेस लाने के लिए हमने क्या करना चाहिए। एग्जैक्ट लाइकनेस लाने के लिए उसकी नाक बड़ी है, उसके लिप्स बड़े हैं, उसके बाल बड़े हैं, उसका कौन सा शरीर का अंग ऐसा है जिसको मैं प्रोमिनेंटली दिखा सकता हूं, और उसी को बोलते हैं अर्थ चित्र। रही बात कार्टूनिंग की, तो कार्टूनिंग को जब हम कोई सब्जेक्टिव बात करते हैं, कोई सब्जेक्ट देते हैं, सपोज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, और उनके हाथ में अगर हमने ऐसा सोचा है कि उनके हाथ में हमने झाड़ू दिया और ये बताने की कोशिश की कि पूरे इंडिया को क्लीन करने का जो जिम्मा उठाया है और लोगों को जो प्रेरणा उनसे मिलती है वो एक सब्जेक्ट हुआ। वो सब्जेक्ट के तहत मैं उनके हाथों में झाड़ू दे सकता हूँ, वो हो गया सब्जेक्ट, हो गया कार्टून। ये बहुत सिंपल, ये बहुत सिंपल बातें हैं। हम लोग जो शुरू करेंगे अब, ये पहला मेरे ख्याल से मैं जो शुरुआत करने जा रहा हूँ वो शुरुआत ऐसा लगता है कि एक छोटा सा स्केच मैं मेरे माँ और पिताजी के लिए करूँ और मेरा काम मैं शुरू करूँ। तो थैंक यू। सामने मेरे माँ का एक रियलिस्टिक स्केच मैंने किया था, वो मैंने लगाया है, वो शायद आप सभी को दिखता होगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं तीनों भी माध्यम से, डिजिटल माध्यम और हाथ से, मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि आर्टिस्ट है तो उसको सभी माध्यम में काम करते आना चाहिए, आज की वो डिमांड है।
Beautiful, very beautiful. उनका डेमो जरा लार्ज स्वरूप में दिखाइए। हाँ, लार्ज पे आ रहे हैं सर। आपका चेहरा बड़ा दिख रहा है, वो डेमो देने वाला बहुत छोटे फ्रेम में गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। डेमो वाला सर मेन स्ट्रीम में है, वो शायद आपको दिख रहा है, डेमो वाला मेन स्ट्रीम में है। मेन स्क्रीन हमको नहीं दिख रहा है। ये मैंने सबसे पहले मेरे पिताजी को और माताजी को वंदन की है मेरे तरफ से। अब इसके बाद में मैं ये शो आगे बढ़ाऊंगा। वेरी नाइस। विजय जी, मैं आपसे ये कहता हूं कि इसी के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करिए। ये आर्ट फॉर्म जो होता है, इस आर्ट फॉर्म को आप आखिर किस रूप में आगे परिवर्तित करते हैं? मुझे ऐसा लगता है, सर जी, एनिमेशन फॉर्म के तरफ आप लेके जाना चाहते हैं क्या? ये आपका कार्टून हुआ क्या, आपका ये कैरिकेचर हुआ पब्लिक के लिए, इसका आपके तरफ से एक मार्गदर्शन करिए, आप इसको क्या कहते हैं? मैंने इसको थोड़ा सा रियलिस्टिक को थोड़ा सा खाली टर्न किया है, क्योंकि ये मुझे नमन करना था, मेरे माँ बाप को मुझे नमन करना था, इसलिए मैंने उसको बहुत ज्यादा कार्टून नहीं किया, एक सिंपल वे में उसको एग्जैगरेट किया ड्राइंग को। एक दो तीन पार्ट होते हैं, दो तीन पार्ट होते हैं जिसमें एक रियलिज्म की एक बात होती है, जिसमें मैं थोड़ा सा उसको एग्जैगरेट कर सकता हूँ, उसके बाद में उसको मैं सिंप्लीफाइड कर सकता हूँ, और ज्यादा एग्जैगरेशन कर सकता हूँ। तो ये आर्ट के बहुत सारे ये फॉर्म्स है जिसको आर्टिस्ट अपने 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 तरीके से उसको मोल्ड करता है। रही बात कि जब हम कार्टून फिल्म बनाते हैं, आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रहे आ रही आ रही। मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ कि ये जो कार्टून फिल्म्स जो होती है, वो कार्टून फिल्म में जो हम कैरेक्टर्स बनाते हैं, उस कैरेक्टर को हम बहुत सिंप्लीफाइड करके उसको हम डिजिटल माध्यम से या हम लोग अपने हाथों से उसका एक कैरेक्टर डिजाइन करते हैं, उस कैरेक्टर डिजाइन को चारों तरफ घुमाने की कोशिश करते हैं। उसका फ्रंट भी दिखना चाहिए, उसका बैक भी दिखना चाहिए, उसका थ्री फोर्थ भी दिखना चाहिए, उसका टॉप भी दिखना चाहिए। वो इसलिए करना पड़ता है क्योंकि मुझे अगर एक्टिंग करनी है, वो एक्टर के साथ में, हम लाइव फिल्म में एक्टर के साथ में एक्टिंग करते हैं, और हम लोग एनिमेशन फिल्म में उस कैरेक्टर के साथ में एक्टिंग करते हैं, वो कैरेक्टर अच्छा भी लगना चाहिए। मेरे ख्याल से मैं आपको एक छोटी सी मतलब आर्टिस्ट अपने कला को कैसे एक्सप्लोर कर सकता है, एक फिल्म दिखाता हूं, या फिर उसको 3D पेंटिंग्स में कैसा उसको टर्न करते हैं, उसी बात को हम पेंटिंग को, अभी इसको मैं पेंटिंग में भी टर्न कर सकता हूँ, जो मैं करता हूँ, जो मैं कैरेक्टर्स बनाता हूँ, उस कैरेक्टर को मैं मोशन में भी टर्न कर सकता हूँ। पेंटिंग के माध्यम से एक नया प्रकार आया है
कि जिसको हम 3D मोशन पेंटिंग बोलते हैं और वो वर्ल्ड में आज बहुत ही कम लोग करते हैं, जिसको हम सही मायने में कॉन्टेम्प्रेरी बोल सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मेरे ख्याल से आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर कि ये एक 3D पेंटिंग है, इसमें मोशन है, आप समझिए इसमें मोशन है और ये दोनों चेहरे दाखवा। अब इसका मुझे जर्मनी का मुझे अवार्ड मिला था 2012 का अवार्ड था, वर्ल्ड का पहला अवार्ड था। मैं बता, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। ये एक बार और फिर से देखिए कि वो मोशन कैसी होती है। सी द मोशन, दिस इज द पेंटिंग। ये पेंटिंग है जिसको हम लोग एक जगह पे लगा सकते, इट्स नॉट ए वीडियो बेसिकली। क्या होता है? अच्छा, ओके। दूसरी बात, वो एक बात हुई, अगर हमको एक सीमलेस जर्नी करना है, मतलब फिल्म बनानी है, तो वो फिल्म कैसी होगी? मैं आपको थोड़ा सा, मेरी एक फिल्म जिसको एक IFA अवार्ड मिला था, वो मैं आपको बताता। उनका मेन स्क्रीन में आ रहे हैं सर? हाँ, दिख रहा है। माइक बंद है ना? ये सब एनिमेटेड कैरेक्टर्स है। आप बोलते रहिए विजय। हाँ, बेसिकली हम जब ड्रॉ करते हैं तो उस ड्राइंग को पूरे, मतलब फ्रंट साइड में, उस ड्राइंग को बैक साइड में, उस ड्राइंग को हम लोग 3/4, उस ड्राइंग का पहले पूरा स्टडी करना पड़ता है। उस ड्राइंग का स्टडी करने के बाद में फिर डिजिटल वे में हम उसको क्या बोलते हैं उसको, कि क्रिएट करते हैं। जैसा स्कल्पचर बनाते हैं मिट्टी में, वैसा ही स्कल्पचर एक डिजिटल वे में बनाना पड़ता है। वो बनाने के बाद में जैसा हमारे ऊपर स्किन है, वो स्किन को ऐड करना पड़ता है, उसके कलर को ऐड करना पड़ता है। मतलब उसमें भी आर्टिस्टिक सेंस चाहिए, उसको पेंटरली सेंस चाहिए। उसके बाद में जैसे हमारे शरीर के अंदर हड्डियां होती है, वैसा उसमें भी हमको ये हड्डियां डालनी पड़ती है, डिजिटल वे में डालनी पड़ती है। उस स्किन को हम लोग जैसे लेयर से स्किन के, जैसा वेंस का लेयर है, जैसा हड्डियों का लेयर है, जैसा उसका कलर है, पूरा उसमें ऐड करना पड़ता है। और उसको ऐड करने के बाद में फिर डायनामिक्स वे में, अगर कोई सपोज हवा का उसके ऊपर क्या परिणाम होगा, प्रकाश का उसके ऊपर क्या परिणाम होगा, ये सब कुछ देखने के बाद में, ये सब कुछ सोचने के बाद में उसको हम लोग स्क्रीन पे लाते हैं, उसको मोशन देते हैं। उसमें एक्टिंग का भी एक सेंस चाहिए आर्टिस्ट के अंदर। आर्टिस्ट के अंदर अगर एक्टिंग नहीं रही तो फिर वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, उसको उस ड्राइंग को उसको मोशन में लाने के लिए उसके अंदर एक एक्टर चाहिए।
वो एक्टर होना बहुत जरूरी है। अभी आर्ट बहुत अभी अभी कंटेम्प्रेरी आर्ट जो है वो पुराने जमाने का नहीं रहा, बहुत साल आगे चली गई है। आज अगर अवतार देखते हैं हम लोग, अगर रिटर्न जेडाई देखते हैं, आज की जो नई नई फिल्म देखते हैं, एवेंजर देखते हैं, तो एवेंजर के बहुत सारे कैरेक्टर्स जो है वो डिजिटल वे में उन्होंने बनाया, लेकिन उस डिजिटल वे को उनको आर्टिस्ट होना बहुत जरूरी है। और एक ऐसा माध्यम है कि जिसमें अगर कोई आर्ट का जो आर्ट है, सपोज कोई लोग बोलते हैं हमारी आर्ट बेची नहीं जाती है, बहुत सारे लोग आर्ट का ट्रेनिंग लेते हैं लेकिन वो बोलते हैं कि हमारी आर्ट बेची नहीं जा रही है, हमको पैसा नहीं मिल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि आर्ट के बारे में ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको सभी प्रकार अगर उसको वो माध्यम में काम करेगा तो मेरे ख्याल से वर्ल्ड में इतने सारे चांसेस है इस फील्ड में कि तुम लाखों रुपए वो आर्ट के जरिए तुम कमा सकते हो। यूनिवर्सल स्टूडियोज ऐसा स्टूडियो जिसने जुरासिक पार्क बनाया, जिसमें टेक्नीशियन भी लगते हैं। आज आर्ट सिर्फ आर्ट नहीं रही, आर्ट टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग का वो एक मिक्सचर हो गया, और वो मिक्सचर को अगर हम लोग एडॉप्ट अगर कर सके तो मेरे ख्याल से आर्ट के लिए बहुत अच्छे दिन है। मेरे ख्याल से इसी के लिए मिस्टर पाचार्य जी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ललित कला जैसी एक बहुत ही एक पुरानी संस्था जो कि आर्टिस्ट का ख्याल रखती है, वो संस्था अगर ऐसे कोई प्रयोग करे तो यहाँ इंडिया के जो आर्टिस्ट है वो कभी भूखे नहीं मरेंगे, वो भी हॉलीवुड जैसे काम करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। मैं और फिर से एक बार अपनी ड्राइंग की तरफ मुड़ता हूँ और मैं चाहता हूं कि ये जो शुरुआत की है वो शुरुआत एक ऐसे आदमी ने की है, आज पूरा डिजिटल इंडिया का जो सपना है, जो पूरा इंडिया को क्लीन बनाने का सपना है, वो सपनों को साकार करने वाला आज एक आदमी हमारे ही बीच में है, जो हमारे जैसा आदमी एक भारत का प्रधानमंत्री है। और वो भारत का प्रधानमंत्री का ये सपना है कि स्किल इंडिया बने, डिजिटल इंडिया बने, इंडिया ये महाशक्ति बने, ऐसा उनको लगता है। तो मैं चाहता हूं कि उनका ही एक कैरिकेचर किया जाए। बहुत सुंदर। दिख रहा है क्या आपको? आप बनाइए, हम देख रहे। ठीक,
आपको सामने जो पेंटिंग बन रहा है ये मैसेज आपको दे रहा है कि स्वच्छता का जो महत्व है, मेरी आवाज जरा सेट करिए, स्वच्छता का जो महत्व है जीवन में, प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति ने हाथ में झाड़ू लिया और समाज में स्वच्छता का जो महत्व है, आज के तारीख में हम देख रहे कि जो सफाई कर रहे वो भगवान के रूप में ये कोविड के संकट में स्वच्छता का जो रोल है वो निभा रहे हैं, और ये महत्व हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम का एक सिंबल होता है, ये पहले ही दिखाया था उन्होंने कि देखिए देश के लिए स्वच्छता का महत्व क्या है। और आज हम ये महसूस कर रहे कि हमारे जो रोड पे जो झाड़ू वाले है आज भगवान के रूप में ये सफाई कर रहे हैं, रोग को हटा रहे हैं और समाज को एक संदेश दे रहे हैं कि स्वच्छता हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा अंग है। ये चीज प्रधानमंत्री ने हमें पहले उनके 17 साल में पंचवार्षिक में ये की थी और समाज जीवन में इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव रहा। मुझे ऐसा लगता है अच्छे विषय विजय ने चुना है और बहुत सुंदर ऐसा ये मैसेज है। एक मैंने सब्जेक्टिव किया है कि हमारा इंडिया और उनके हाथों में जो झाड़ू है वो पूरा और हम लोग विन हो सकते हैं। मैं इस वेबिनार में ये नहीं कोशिश करूंगा कि मैं खाली स्केचेस आपको दिखा रहा हूं कि सब्जेक्टिव कैसे हो। तो मैंने कोशिश की कि उनके हाथ में झाड़ू है, मोदी जी के हाथ में, और अपने देश को वो बहुत नीट एंड क्लीन बनाना चाहती है, इसलिए मैंने थोड़ा ब्लू और ग्रीन कलर को मैंने यूज किया है और उनके एक उनका एक कैरिकेचर बनाया है, कार्टून बनाया है। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मोहंती जी जो शुक्र तू क्लीन क्लियर है, सर क्लियर है विजय जी। आप अच्छा। आप इस प्रोग्राम को और थोड़ी देर आगे के लिए लेके जाने से पहले, क्योंकि काफी सारे व्यूअर अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नियर अबाउट 300 क्रॉस कर चुके हैं व्यूअर्स हैं और आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और दो क्वेश्चंस आपके लिए आए, टेक्निकल क्वेश्चंस हैं और दोनों में थोड़ा आपको पूछता हूँ। एक है कि आपने ड्रॉइंग में कौन सी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो आपकी व्यूअर सुनना चाहते हैं कि क्या सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं। सेकेंडली, जब आप एडिट कर रहे हैं पेंटिंग्स इनटू 3D आर्ट, उसमें भी आप कौन सी प्रोग्राम यूज कर रहे हैं? तो दोनों टेक्निकल चीजें से, तो आप थोड़ा व्यूअर्स को बताइए कि आप क्या सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम यूज करते हैं, और इसके बाद मैं आपको बीच में इंटरप्ट नहीं करूंगा, यू कैन गो फॉर वन और टू डेमोज, सो दैट बाकी सारे हमारी जो व्यूअर्स है सबकी डिमांड आ रही है, इट्स एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छा है, सबको काफी अच्छा लग रहा है। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा आप और एक दो टॉपिक के ऊपर जाके आप एक दो डेमो दीजिए ये आंसर देने के बाद। मैं तो चाहता हूँ कि बहुत सारे डेमोज में आपको बताऊ, मैं आप जितना बोलेंगे उतना डेमोज में आपको एक घंटे के अंदर जो भी मुझे मुझे जो लगता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी ड्रॉइंग को मैं 10 मिनट लगाऊ, 15 मिनट लगाऊ, मैं चाहता हूँ कि 1-2 मिनट में मेरा ड्रॉइंग हो जाए ज्यादा से ज्यादा और आपको वो दिखे कि एक मेमोरी से ड्राइंग करना एक बहुत बड़ी आर्ट है। आप ये देख देख के ड्राइंग करना, वो जेरोक्स मशीन में मेरा कौशल विकास करता हो, लेकिन जब मैं मेमोरी से ड्राइंग करता हूँ, कैरिकेचर करता हो, तो उसमें वो एक बहुत बड़ी बहुत अलग बात है, बहुत ही अच्छा लकड़ी भी लगता है। एक दूसरी मैं इसके लिए आईपैड नाम का एक आईपैड यूज कर रहा हूँ। आईपैड एक क्या बोलते हो, एप्पल का एक पार्ट है जिसमें हम पेंसिल, ये पेंसिल है, वो पेंसिल जैसा मैं यूज कर सकता हूँ, इसमें कलर्स भी मैं यूज कर सकता हूँ, और जैसा पेपर के ऊपर करते हैं वैसा डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर मैं उसको कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई कैनवास पेंटिंग करना हो और उसका स्केचेस बनाना हो, तो मैं पेपर के जैसी ही बात मैं इस स्क्रीन के ऊपर करके और उसको स्टाइलाइज बना के फाइनली मैं कैनवास के ऊपर काम करूंगा, ताकि मेरा पेपर भी बचे और मुझे क्या ट्रीटमेंट देना है, ट्रीटमेंट मैं कैनवास के ऊपर दे सकूंगा। एक ये बात है,
जिसमें मैं इसमें मैं एनिमेट भी कर सकता हूँ इस बात को। दूसरी एक बात है, जो मैं 3D करता हूँ तो 3D के लिए हम लोग माया नाम का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। और माया में क्या होता है, जैसा अपना प्लेटफॉर्म, अभी जैसा मैं यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पे मेरा बोर्ड है, यहाँ पे आप बैठे, आप मुझे दिख रहे हो, तो एक जो डेप्थ ऑफ फील्ड है, वो डेप्थ ऑफ फील्ड जैसा यूनिवर्स है, वैसे छोटा सा यूनिवर्स एक माया में होता है, जिसमें आर्टिफिशियल लाइट्स होते हैं, जिसमें डायनामिक्स होता है, जिसमें तुम स्कल्पचर कर सकते हो। जो भी मैं आर्ट बनाता हूँ उसको मैं 3D में कन्वर्ट करता हूँ माया में। फिर माया में कन्वर्ट करने के बाद में जो मुझे एक्टिंग उनसे करवानी है, तो उसके अंदर जो रिगिंग किया हुआ था, उसको रिगिंग बोलते हैं, जैसे हम हड्डियां बोलते हैं वैसे हम रिगिंग बोलते हैं। तो वो रिग ऐसा रहता है कि जैसा मैं हड्डियों को अगर ऊपर नीचे करूं तो ऊपर नीचे हो जाता है। फिर आती है टाइमिंग की बात। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उस टाइमिंग के साथ में अगर मैं उसको मोशन दू, अ मैनिफेस्टेशन ऑफ सोल जिसको बोलते हैं, कि आत्मा का प्रगटीकरण थ्रू माय मोशन, आत्मा का प्रगटीकरण थ्रू माय एक्टिंग, अगर ऐसा हुआ तो उस एक्टिंग को एक सेकंड में 25 फ्रेम बनानी पड़ती है। 25 फ्रेम होने के बाद में हमको एक एक्शन मिलती है, और उस एक्शन को जब हम छोटा छोटा एक्शन जब इकट्ठा करते हैं तो एक फिल्म बनती है। बहुत सिंपल है, मैं 24 फ्रेम्स एक सेकंड के लिए बनाता हूँ, 60 मिनट के लिए बहुत सारी फ्रेम्स हो जाएगी, 90 मिनट के लिए बहुत सारी फ्रेम्स हो जाएगी एक कैरेक्टर के लिए। ऐसे चार कैरेक्टर है, चार कैरेक्टर के लिए मैं फिल्म, वो पहले ड्राइंग बना लूंगा, एक्टिंग कर लूंगा, उसके बाद में उसको कंपाइल करूंगा, और जो भी दिखेगा वो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा। आजकल क्या होता है, आजकल मैं आपको बताता हूँ, आज ये नेक्स्ट 2-3 साल के अंदर देखिए, अपन 5 साल के अंदर देखिए, मैं आपको बताता हूं कि किसी एक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, डमी एक्टर्स काम करेंगे, और जो एनिमेटेड एक्टर्स जो है वो एनिमेटेड एक्टर्स एक्टिंग करेंगे। कल मुझे माइकल जैक्सन से मुझे एक्टिंग करवाना है, तो माइकल जैक्सन की जरूरत नहीं है। आज माइकल जैक्सन हम खड़ा कर सकते हैं और उसको दिखा सकते हैं। उसके बाद में पिछले बार ये गुजरात में मोदी जी ने ये बात की थी और लोगों को वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से ये पूरा प्रचार किया था। बस उसी टाइप से जो भी एक्टर गुजर गए, वो गुजरे हुए एक्टर को कल हम जिंदा कर सकते हैं। और वो एक्टर ब्रूसली की जो आखिरी फिल्म थी, ब्रूसली की आखिरी फिल्म वो डिजिटल माध्यम से उन्होंने पूरी की है, पता भी नहीं चलता क्या क्या कौन सा एक्टर लाइव है और कौन सा एनिमेटेड है। आपको मैं अवतार की बात बोलो, अवतार में जो बाकी के जो कैरेक्टर्स है, जो परग्रहवासी जो है, जो उन्होंने बताया है, वो और लाइव एक्टर्स, उनमें फर्क नहीं नजर आता। मैंने 50 बार फिल्म देखी, 50 बार फिल्म देखने के बाद में भी मुझे फर्क समझ में नहीं आया, इतना एक्यूरेसी आज के आर्ट में है। और वही एक आर्ट ऐसी है कि जो तुमको एक अपना अस्तित्व दिला सकती है। और ये कौन कर सकता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं सर, आचार्य सर, मैं आपको बताता हूँ कि वो एनिमेशन कौन करेगा, मैं सिर्फ कैनवास बनाता हूँ, मैं ये कौन करेगा। अरे एब्स्ट्रैक्ट के लिए भी तुमको रियलिस्टिक आना चाहिए। पिकासो ने बहुत अच्छा रियलिस्टिक किया, उसके बाद में एब्स्ट्रैक्ट की तरफ। एब्स्ट्रैक्ट बात ऐसी होती है कि जो रियलिज्म को पहले अडॉप्ट करके उसके बाद में उसको एक्सप्लॉइट करती है, फिर हम लोग समझते हैं कि बाबा जब मुझे मैं सपोज फिगर ड्राइंग करता हूँ और उस फिगर को मैं सिंप्लीफाइड करके दे जाता हूँ, और सिंप्लीफाइड करने के बाद में एक स्टेज ऐसी आती है कि मुझे फिगर नहीं दिखती है, मुझे खाली मेरा एक मैनिफेस्टेशन ऑफ सोल जिसको बोल सकते हैं, बस मैं समझू वही मेरी फिगर है, मैं समझू वही मेरा इन्वायरमेंट है, उसी को हम एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। एक सब्स्ट्रैक्ट के अंदर भी एक एब्स्ट्रैक्ट होता है, उसकी खोज हम करते हैं खाली, और वो खोज को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग। रियलिस्टिक की खोज है ये, एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट मतलब रियलिस्टिक। विजय से सवाल करना है। विजय, आप जो ये एनिमेशन फिल्म की बात करते हैं,
तो क्या एक एक आर्टिस्ट इतना काम कर पाता है, एक आर, आर, एक आर, आर्टिस्ट इतने सब कैरेक्टर बना पाता है? बताइए। ये एक सिस्टम होती है। देखो हर आर्टिस्ट अपने दिन में एटलीस्ट 40 स्केचेस बना सकता है, 25 स्केचेस बना सकता है अच्छे। आप मुझे बोलिए कि बना सकता है कि नहीं बना सकता है? 40-50 स्केचेस तो आराम से बना सकता है, 25 स्केचेस तो आराम से बना सकता है। ऐसे 400 लोग अगर 25 स्केचेस बनाए, और वो जब हम कैरेक्टर स्टडी करते हैं, सपोज मैंने आपका कैरेक्टर किया और वो कैरेक्टर को मैं सिंप्लीफाइड कर दिया और उसका जो इक्वेशन है मैंने सबको बताया कि ये मैंने सर को ऐसा ऐसा इस टाइप से मैंने कैरेक्टर बनाया है, आपको भी बनाओ, तो ये ड्राइंग ऑस्ट्रेलिया में बनेगा, दूसरा आर्टिस्ट इंडिया में करेगा, तीसरा आर्टिस्ट अमेरिका में करेगा, चौथा आर्टिस्ट और कोई देश में करेगा, मलेशिया में करेगा, चाइना में करेगा। ये सब जगह पे करके वो काम इकट्ठा किया जाता है, उसके लिए 400-500 लोग काम करते हैं। बहुत सारी, अभी आपको बोलता हूँ, मलेशिया में हजार हजार लोगों के स्टूडियो है, इंडिया में भी 2,000-3,000 लोगों के स्टूडियोज है ये एनिमेशन करने वाले। तो जॉब का कोई प्रॉब्लम नहीं है इस फील्ड में। और उसके साथ साथ में आज भी इंडिया में कई सारे लोग ऐसे हैं जो एनिमेशन का काम करते हुए भी कैनवास पेंटिंग करते हैं। मैं भी खुद एनिमेशन का काम करता हूँ, लेकिन मैं कैरिकेचर बनाता हूँ, मैं पेंटिंग करता हूँ, और ये सब कुछ एक आर्टिस्ट कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको एक अच्छा स्टडी करना पड़ेगा, तो ये बात हो सकती है। बताइए। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आर्टिस्ट जो है अपना आर्ट करे, अपना एब्स्ट्रैक्ट है रियलिस्टिक जरूर करे, अपनी खुद की कला जरूर करे, लेकिन अगर वो सफर इकोनॉमिक होता है और वो एनिमेशन स्टूडियो के साथ अगर ज्वाइन हो जाता है तो ब्रेड एंड बटर के लिए उसको एक घर बैठा सर्विस भी मिल सकता है, वो काम भी कर सकता है, पैसे भी कमा सकता है, राइट? हाँ, वेरी गुड, बहुत सुंदर। यस सर। हाँ, अभी अभी फिर से मैं चाहता हूँ कि सर आप यहाँ पे हैं, मैं चाहता हूँ कि सर का ही मैं ये कैरिकेचर करूँ। मोस्ट वेलकम सर, करिए जल्दी। मैं सर को बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से मैं करना चाहता हूं पहले।
माझं बनवतोय विजय, मला ते पाहून त्याचा बघ काय हात भारी आहे, कॅरिकेचर अँड कार्टून बहुत देट. Excellent, sir. Beautiful. Sir ji. Beautiful. Excellent. Excellent. Like it. Ha. काय विचारायचं तर विचारू शकता. बिलकुल असं आहे की वास्तवतेच्या पलीकडे जाऊन तुम्ही एखादं एक्सप्रेशन देत असता तेव्हा मनामध्ये काय भाव काय असतात, एखाद्या व्यक्तीचं व्यक्तिमत्व असतं, एखाद्या व्यक्तीविषयी अट्रॅक्शन असतं म्हणून ते चित्र काढावं वाटतं, एखाद्या व्यक्तीचं कर्तृत्व असतं किंवा एखादी नॅशनल फिगर आहे आणि ती सहज काढावी वाटते, काय असतं, काय काय विचार करता तुम्ही, व्यक्तिमत्व कशी निवडता? सर काम करत असताना मला असं वाटतं की तो व्यक्ती पहिल्यांदा माझ्या मनात आला पाहिजे, म्हणजे मला एक्सप्रेशन जे करायचे आहे, मला तुमचे एक्सप्रेशन करायचे म्हटल्यानंतर माझ्या मनात ते एक्सप्रेशन असते पहिल्यांदा आणि मी ऍक्टिंग करू शकलो पाहिजे. मी जेव्हा काम करतो त्याच तो कॅमेरा तुम्हाला दाखवेल. आपण विजय जी आप हिंदी में और इंग्लिश में बोलिएगा. राईट. हा, मैं जब काम करता हूँ उस काम के लिए क्या होता है कि मुझे अपने आप में उस कैरेक्टर को ढालना पड़ता है. जब मैं एक्सप्रेशन देता हूँ तो खुद मैं एक्सप्रेशन करता हूँ, पहले सबसे पहले मैं एक्सप्रेशन करता हूँ, वो कैरेक्टर को मन में लाता हूँ और उसके बाद में उसको मैं याद करके और उसके पर्सनालिटी को भी मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि पर्सनालिटी क्या है. वो पर्सनालिटी मुझे मेरे अंदर आनी चाहिए और फिर मुझे करना चाहिए. मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ. जस्ट अभी लालू प्रसाद जी यादव है. हाँ, मैं आपको करके बताता हूँ. रैपिड राउंड एकदम रैपिड.
मुझे और एक में करके बताता हूँ आपको रैपिड राउंड में। विजय जी आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ सुन रहा हूँ सर हाँ, मैं करता हूँ सुनता भी हूँ। मुझे आपके दिल में एक देश के आपके दिल हाँ? में एक देश के ऐसे कौन से नेता है कि बार बार उनकी तस्वीर आप निकालना चाहेंगे? देखो मैं भी उसी का ड्राइंग कर रहा हूं कि जो मेरे दिल में है, और दूसरी बात यह है कि मेरे एक दो लोग जो मेरे हैं वो मेरे बहुत दिल के करीब है। बहुत ही दिल के करीब है, आपको समझ में आ जाएगा। जरूर वाओ एक्सेलेंट सर बहुत सुंदर। आपके समझ में आया सर? हमारे सबके चाहते देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम साहब, और बहुत ही बहुत ही कम टाइम में एक बहुत ही ऐसे उम्दा कैरेक्टर में आपने उनको ढाल दिया, और उनकी जो बाल की स्टाइल है और उनकी जो एक सहजता है वो चितारते आप जा रहे हैं, वैसा चित्र हमारे मन में भी उभरते आ रहा है। वेरी गुड सर। एक क्वेश्चन दर्शक का है दूसरा आप बनाते जाइए, दूसरा कैरेक्टर है सर बनाते जाइए। वेरी गुड वेरी नाइस। मोहंती बताइए सर। विजय जी के लिए एक छोटा सा सवाल आ रहा था, उनका जो योगदान कैसे। विजय जी के लिए एक ही सवाल थोड़ा सा बताते आप बोल दीजिएगा। जैसे दर्शक आपकी सारे आर्टिस्ट लोग जानना चाहते हैं, जैसे वेस्टर्न आर्ट की बात करें, जैसे कि उन्होंने एक अवतार पिक्चर का एग्जांपल दिया है, और किसी ने इंडियन सर, मुझे आवाज नहीं आ रही बराबर। मेरा आवाज आया आपके पास अभी आवाज आ रहा है? टूटी-टूटी आवाज आ रही है। अभी आवाज आया? नहीं, अभी भी टूटी आ रही है। अभी आवाज आ रहे है? हाँ, विजय जी ये क्वेश्चन ये था कि जो वेस्टर्न पिक्चर है, खासकर उन्होंने एक आर्टिस्ट ने एग्जांपल दिया अवतार पिक्चर का, और इंडियन पिक्चर में उन्होंने बाहुबली का एग्जांपल दिया है, और ये जानकारी चाहते हैं कि जहाँ 3D एनिमेशन की बात होता है और आर्टिस्ट की बात होता है,
वेस्टर्न पिक्चर में उनको ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है इन कंपैरिजन टू इंडियन मूवीज, तो आपका इसमें क्या राय है थोड़ा सा आप दर्शक को जरूर बताइएगा आप अपनी ये स्केच करते करते। और दूसरा भी क्वेश्चन एक था कि जो जो आप कैरिकेचर आर्ट बनाते हैं उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक जरूर बताइएगा, वो काफी सारे लोग इसके बारे में क्वेश्चन है। कैरेक्टर की हाँ, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जरूर बताइएगा। तो दो क्वेश्चंस मैंने आपको बताया और दोनों आप अलग अलग करके जवाब दे सकते। एक मिनट सर जी, मैं जवाब देता हूं तुम्हारा दोनों भी इसका। यस यस, आप ये पूछिए हमारे जो प्रेक्षक गण है उनको भी कि कला में, हर कला में एक अलग डिमेंशन होता है, हर अलग बौद्धिक क्षमता होती है। कैरिकेचर आर्ट के बारे में और एनिमेशन आर्ट के बारे में क्या ये कार्यक्रम के बारे में वो जो आपने यूज है, जरूर ललित कला को मेल द्वारा हम जरूर डिक्लेयर करना चाहते हैं कि ये कार्यक्रम के बारे में क्या ये आपको रुचिपूर्ण रहा, और इस कोविड के दरमियान, इस महामारी के दरमियान जो तनाव में लोग है, घर में बैठे हैं, जो कलाकार कला के इस वेबिनार से जुड़े हैं, ये ललित कला का जो उपक्रम है और जाने माने हमारे आज के गेस्ट विजय राउत जी है, उनका जो आर्ट फॉर्म है, उनका जो कमांड है, वो जो अपनी एक सिद्ध हस्त लाइन से भी एक कैरेक्टर तुरंत कैच करते हैं और दिखाते हैं, तो क्या एनिमेशन आर्ट के बारे में आपके ओपिनियन आप दे सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पहले बार जब कला ये देखी, ये हमने न्यूज़पेपर में हम लोग टाइम्स ऑफ इंडिया के पेज देखते थे और बहुत ही फेमस चित्रकार आर के लक्ष्मण वो फ्रंट पेज के ऊपर अपना कैरिकेचर करते थे। उसके बाद में हमने देखा कि सामना जब शुरू हो गया तभी बाल ठाकरे जी हमारे आदरणीय वो अपने सामना में कैरिकेचर करते थे, वो आत्मा बोलते थे। और मुझे ऐसा लगता है विजय राउत जी भी इनका जो इंस्पायरेशन है कहाँ से है वो बताएंगे, और प्रेक्षकों को भी हमारे वो बात जरूर समझना चाहिए कि ये बहुत बड़ा व्यवसाय भी है, कला का हुनर भी है, ये प्लीजेंट भी है, केवल इसमें हास्य नहीं है, इसमें भाव भी है, जहां भाव होता है वहां भगवान होता है। तो इस तरह से आपको ये फील्ड में भी जुड़ने के एक बहुत बड़े अवसर विजय राउत जी द्वारा गाइड हो रहे हैं, विजय राउत जी आपको बता रहे हैं, और कला का एक अलग दरवाजा, अलग क्षेत्र आपके लिए ललित कला एकेडमी द्वारा सामने हमने रखा है, तो इसके बारे में भी लोग हमें बताए, इनकी रुचि बताइए, और देखिए किस तरह से आर्टिस्ट अपना कला अभिव्यक्ति, स्टाइलाइजेशन, रैपिड एक्शन, ये सब कुछ रखता है और रममान हो जाता है। कला पहले खुद के लिए होती है। मैं ये चाहता हूँ, हम लोग बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के कमिटी में हुआ करते थे और विजय राउत जी हमारे अध्यक्ष और मैं चेयरमैन हुआ करता था, हंसी मजाक में वो हमारे कैरिकेचर बनाते थे। पहले तो बहुत गुस्सा आता था, लेकिन धीरे से मैं वो कैरिकेचर हाथ में लेके अपने पास जब रखने की कोशिश करता था तभी विजय हमको नजर उठा के देखते थे, क्या पसंद आया, वो जो मेरा रूप था उन्होंने बनाया हुआ इतना मुझे सटीक आता था कि आज भी मैं विजय राउत को इस कार्यक्रम में ले आने के लिए उसी भाव से मतलब तैयार था, और विजय राउत तैयार हो गए हैं। ये इनका बड़प्पन है, उनके व्यस्तता में हमारे साथ जुड़े हैं, और कोरोना के इस टाइम में हमारे साथ उन्होंने ना नहीं कहा आने का, और बहुत सारे लोगों को सीखने का मौका है। मुझे ऐसा लगता है कि एनिमेशन इंडस्ट्री जो है इस देश में पनप रही है, और विजय राउत जैसे कलाकार हमारे साथ में, इसका आप लोग जरूर फायदा उठाइए। और मैं ये चाहूंगा कि इन्होंने सामने जो बाला साहब ठाकरे जी का भी इतना बढ़िया, इतना रैपिडली, इतना विद इन टाइम स्केच किया है कि मुझे ऐसा लगता है कि उनको 10 सेकंड लगते हैं, इतना कमांड विजय राउत के पास है। मुझे, मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ कि ये
सिलसिला चलता रहे। आगे, इसके पहले मैंने एक ड्राइंग बनाया है जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं वाजपेयी जी, जिन्होंने बहुत मतलब अपने मृदु स्वभाव होने के बावजूद भी एक पोखरण का जो अनुचाचनी जिसने जिन्होंने की है और पूरे वर्ल्ड में एक अनुप्रधान देश करके इंडिया को सामने रखा है, मैं सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। ऐसे एक कवि मन का आदमी है, एक कवि मन का आदमी होने के बावजूद भी एक देश को संरक्षण देने की क्या कोशिश की है। वैसे बहुत सारे इंडिया में ऐसे लोग होके गए हैं जिन्होंने अपने देश को बहुत मजबूत बनाया, जिसका मैं इंदिरा गांधी का भी नाम ले सकता हूँ, जिन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश को अलग कर दिया, अमेरिका के सामने भी नहीं झुकी। उस औरत को, उस हमारे प्रधान को इसी आदमी ने दुर्गा करके संबोधित था। मतलब जो एक ऐसा आदमी है जो विरोध में रहने के बाद में भी किसी की तारीफ करना नहीं भूलता था, और वो आदमी हमारा पंतप्रधान रह चुका। इससे क्या ज्यादा और चाहिए इंडिया में जीने के लिए और इंडिया में पैदा होने की, इससे और कोई बात नहीं हो सकती है। बहुत सुंदर, मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, बहुत सुंदर, मैं आगे बढ़ता हूँ। जो ये सवाल जो पूछा था कि बाहुबली और जो अवतार में जो कैरेक्टर्स है, वो अवतार के कैरेक्टर्स बहुत रियलिस्टिक क्यों लगते हैं और बाहुबली के कैरेक्टर्स इतने रियलिस्टिक क्यों नहीं लगते। बात ऐसी है कि अभी हमारा इंडिया जो है, भारत जो है, नेशनल स्टेज में है, बहुत बाल्य अवस्था में है एनिमेशन फील्ड के लिए, और बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं कि आर्ट का एनिमेशन एक पार्ट है, और वो एक्सट्रीम स्टेज पे आर्ट का पार्ट होता। एक बात ये है, दूसरी बात क्या है कि आर्ट को आगे ले जाके उन्होंने रखा है एनिमेशन के जरिए, आर्ट को आगे लेके जाके रखा है। अगर मैं कैरेक्टर करना चाहता हूँ तो उस कैरेक्टर का मुझे पूरी तरह से रियलिज्म मुझे समझना चाहिए, वो कैरेक्टर कैसा जिएगा मुझे समझना चाहिए। अगर मुझे पूरे तरह से उसका उसका सीन का पता है, उसके स्वभाव का पता है, उसके एक्टिंग का पता है, वो कैसा दिखता है वो पता है, 3 घंटे मुझे 90 मिनट मुझे अगर कैरेक्टर देखना है तो वो कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। हम अमिताभ बच्चन को 2 घंटे देख सकते हैं, हम किसी साउंड 90 मिनट देख नहीं सकता है, 90 मिनट देख नहीं सकता। तो 90 मिनट देखने के लिए मेरे पास एक एक्टर ऐसा चाहिए कि जिसको मैं 90 मिनट देख सकता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली इसे ह्यूमन साइकोलॉजी, अगर मुझे अच्छा लगा तो ही मैं देखूंगा। तो वो आर्ट को प्री प्रोडक्शन, जिसको आर्ट बोलते हैं, प्री प्रोडक्शन को इतने बड़े लेवल पे लेके जाते हैं वो लोग कि उनका कैरेक्टर फिर चाहे वो डिजिटल में हो या फिर फिजिकल में हो, वो अच्छा ही लगता है। और उसके लिए आर्टिस्ट पैसा भी मांगता है नेचुरली। मैं ये नहीं बोलूंगा कि विदाउट पैसे काम करेंगे। जो अगर सपोज मुझे कोई कैरिकेचर करना है, मुझे कोई काम करना है, तो मैं लाखों रुपए में करूंगा, कोई दूसरा आदमी काम करता है वो 1000 रुपए में करेगा, तो एक बात है। विजय राउत में कैरेक्टर करना और किसी तीसरे आदमी मतलब नया आदमी है, उससे हमारे पास पैसे नहीं है और उसके पास गए और फिर उससे कैरेक्टर बना के लिया, तो फिर वो कैरेक्टर होगा कैसे। ये 400 करोड़ में बनी हुई फिल्म है बाहुबली, और उस फिल्म को 1500 करोड़ लोग रख गए। 1500 करोड़ में और 400 करोड़ में जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस एक्सपर्टी का है। वो एक्सपर्ट उतने पैसे लेता है और फिर अपना जी जान उसमें डालता है। जो एनिमेटर्स है, वो एनिमेटर्स ने आर्टिस्ट होना ही चाहिए। मैं कैनवास भी करता हूँ, मैं शिल्पकला भी करता हूँ। मुझे अपने अपने लड़कों को मुझे बताना होता है कि ये कैरेक्टर 3D में कैसा दिखेगा, तो मैं बोलता हूँ कि मट्टी लेके आ, मैं बना के दिखाता हूँ आपको कि ये कैरेक्टर होगा कैसे। तो हमारे जहन में चाहिए, हमारे मन में चाहिए कि वो कैरेक्टर दिखेगा कैसे, और दिखेगा कैसे कंप्यूटर पे, दिखेगा कैसे डिजिटल, उसको कैसे बनाया जाए पेपर के ऊपर, कैसे बनाया जाए रियलिस्टिक, कैसे बनाया जाए उसका कैरिकेचर एक फॉर्म है। तो ये नहीं बोलना चाहिए कि मुझे ये नहीं आता है, तुमको अगर अमिताभ बच्चन बनना है उस फील्ड में,
तो तुमको सब कुछ आना चाहिए, कमर्शियल एक्टिंग भी आनी चाहिए और तुमको आर्ट की एक्टिंग भी आनी चाहिए, कि मुझे सिर्फ मॉडर्न आर्ट आती है, मैं सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट के साथ में खेलता हूँ, ये सब गलत बात है सर। ये सब रिया मैं पाचारनी जी को बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ, पाचारनी जी के मैंने बहुत सारे स्कल्पचर देखे है, उसमें उसका रियलिज्म देखा है, और पाचारनी जी की मैंने मॉडर्न स्कल्पचर भी देखे हैं भूल के, जिनके ऊपर मैंने लिखा भी है, मैं इसके ऊपर लिखता भी हूँ। आर्टिस्ट को लिखना भी आना चाहिए, आर्टिस्ट को गाना भी आना चाहिए, आर्टिस्ट को म्यूजिक भी समझना चाहिए, वही आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट क्यों बनाया, गंधर्व है, गंधर्व, मैं इसको हरदम गंधर्व बोलता हूँ, कि भगवान ने हकाल दिया, कुछ गलतियां की होंगी ऊपर, इसलिए उसको हकाल दिया कि जाके अपना काम करो, फिर जाके हम लोग यहाँ पे आके काम करते हैं और फिर से चले जाते हैं उसके दरबार में आर्ट का काम करने के लिए। वो आर्टिस्ट होता है, ऐसा नहीं आर्टिस्ट होता है कि मुझे यही आता है, मुझे खाली अक्षर बनाने आते हैं, मुझे खाली कैनवास के ऊपर काम आता है, मुझे खाली वाटर कलर आता है। आर्टिस्ट के हाथ में कोई भी दे दो, एक पेंसिल दे दो, एक डिजिटल पेंसिल है, उसके पास में दूसरी पेंसिल दे दो, उसके पास में ब्रश दे दो, उसके पास में ऑयल पेंट दे दो, उसके पास में वाटर कलर दे दो, उसके पास में कोई भी दे दो, अरे वो ये मैनिफेस्टेशन का तरीका है, वो आना ही चाहिए। और फिर उसमें एक्सपर्टी होती है, मुझे अच्छा लगता है कि मैं ड्राई पेस्टल में काम करूं, मुझे अच्छा लगता है कि मैं पेस्टल में काम करूं, वो मेरा एक अपना तरीका है कि मुझे लगता है कि इसमें मैं काम कर सकता हूं, लेकिन मुझे सब कलर में काम आना चाहिए। जिसको आता नहीं है उसने ये फील्ड वो थोड़ा सा बाजू में रख देना चाहिए, वो फिर दूसरी तरफ जाता है। बहुत सारे अपना जेजी स्कूल ऑफ आर्ट में पढ़ने आते हैं, फिर बाद में 4 साल के बाद में 10 साल के बाद में हमको पता नहीं चलता कहाँ गए वो, फिर कभी उसको पूछा तो बोलते कि नहीं मैंने दुकान डाल दिया, कोई बोलता है कि मैं खेती कर लिया, फिर बोलता है कि कोई मैंने ये कर लिया है, कोई बोलता है कि मैं कमर्शियल आर्टिस्ट बन गया हूँ। आर्टिस्ट कमर्शियल आर्टिस्ट वगैरह कुछ नहीं है ऐसा, पेंटिंग आर्टिस्ट कमर्शियल में भी वही कंपोजिशन है, पेंटिंग में भी वही कंपोजिशन है, स्कल्पचर में भी वही कंपोजिशन है जो हमारे मन के अंदर कंपोजिशन होता है। वो मन के अंदर का कंपोजिशन, ये हमारे कैनवास है, डिजिटल एक कैनवास है, पेपर एक कैनवास है, कपड़ा एक कैनवास है, कोई भी हमारा कैनवास के ऊपर हमने एक्सप्लेनेशन हमारा हमको एक्सप्लेन करके आना चाहिए, दैट्स इट, वही आर्टिस्ट होता है। बाकी मैं किसी को नहीं मानता हूं, और मैं कुछ और करके बताऊंगा लगे तो आपको। आज भी सर समय कम है, तो मैं चेयरमैन सर को अनुरोध करूंगा आपके बारे में कुछ दर्शकों को बताएं, और बिफोर कम टू आवर चेयरमैन मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा जल्दी से 1 मिनट के लिए, आपकी क्या अनुभव रहा ललित कला के साथ जुड़े रहने में, और ललित कला के साथ आपका अनुभव क्या है आप थोड़ा सा दर्शकों को बताइए, ताकि मैं चेयरमैन सर को भी अनुरोध करूंगा आपके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएंगे। समय के अभाव है, फिर दोबारा सर दोबारा फिर इस प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे, बट जल्दी से विजय जी आप थोड़ा सा आपके अनुभव शेयर करिए, बताइए। हम लोग बहुत साल पहले मेरा एक स्टूडियो था, एनिमेशन स्टूडियो था मुंबई में, और हम लोग बड़े मजे से काम करते थे उस स्टूडियो में। एक दिन अपने पाचार्य सर जी आए और बहुत सारे लोग भी आ रहे, उन्होंने बोला कि हम बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के लिए काम करते हैं, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी एक बहुत बड़ी संस्था है और आप जैसे लोगों ने इस संस्था में हिस्सा लेना चाहिए, आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और फिर मुझे बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में उत्तम पाचार जी ने जिन लाए, वो बेसिकली पहले से भी नेता थे, आज भी हमारे नेता है, नेता बहुत बहुत बड़ी बात है। और आज ललित कला का जो मैं एक चरित्र देखता हूँ, चरित्र मैं बोलूंगा, ललित कला का चरित्र बोलूंगा मैं आपको, इतने दिन से ललित कला है, कभी मुझे पता भी नहीं था कि कौन यहाँ पे है, कौन क्या कर रहा है, कि जब से एक नेता वहां पे आ गया, उसको समझता है कि ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है, नए आर्टिस्ट कैसे होते हैं, पुराने आर्टिस्ट की क्या आदतें हैं। आर्टिस्ट को संभालना बहुत बड़ी मुश्किल बात होती है, और एक आर्ट संस्था को चलाना बहुत बड़ी मुश्किल बात होती है, और आचार्य जी ने वो करके बताया। बस उसी तरीके से जब मुझे वो लेके गए, अरे यार एक योद्धा है, ये कुछ कर सकता है, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में जब गया मैं, हम लोग चुन के आए सब लोग, मैं प्रेसिडेंट बना बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के, पाचार्य जी चेयरमैन बन गए, और फिर हम दोनों ने मिलके और हमारे साथ में जो टीम थी वो टीम ने एक काम शुरू कर दिया। तब हमारे पास 5,000 रुपए भी बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में नहीं थे, और 400-500 पेंटिंग्स हर साल आते थे, लेकिन हमने बहुत कोशिश की, और बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की बिल्डिंग एक बांद्रा स्कूल ऑफ बांद्रा
रिक्लेमेशन में हमने बनाई उसमें सबका साथ था, पुराने आर्टिस्ट का भी साथ था, लेकिन मैं बोलूंगा 93 से 2002 से जब बॉम्बे आर्ट सोसाइटी ने एक पंख लगा लिए खुद को, वो पंख आज तक बाकी आज तक है। वैसे बॉम्बे आर्ट सोसाइटी उड़ रही है और ललित कला अकादमी उनको सहकार्य कर रही है। मैं तो और ये सब कुछ काम किया है आपको मैं बोलता हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ उसमें, मैं तो खाली प्रेसिडेंट था। प्रेसिडेंट तो खाली नाम का होता है, आपको मैं बोलता हूँ काम करने वाले तो नीचे के लोग होते हैं। तो मेरा जो मुझे मैंने जो कुछ भी किया है वो आचार्य ने सर के सहकार से किया है और हमारे हम दोस्त हैं, हम वो मेरे से शायद बड़े हैं लेकिन मैंने कभी उनको बड़ा माना ही नहीं, उम्र से नहीं माना, मैंने आर्ट से बड़ा माना। उम्र में तो हम लोग क्या करते थे, हम हंसी मजाक करते थे, हम कुछ अपने मन की बात बोलते थे कि सर जी ऐसा नहीं, झगड़ा नहीं करते थे। और झगड़ा करना मतलब एक वार रूम होती है, हर 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 इसमें कंपनी में एक वार रूम होती है, आप देख लेना जिसमें झगड़ा कर सकते हैं। वैसा बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में भी वार रूम थी, हम लोग झगड़ा भी करते थे लेकिन साथ में इकट्ठा होते थे और बोलते थे कि कुछ करना है। आज बॉम्बे आर्ट सोसाइटी जो लोग करते हैं वो बॉम्बे आर्ट सोसाइटी को बनाने के लिए उत्तम पाचार्य जैसे लोगों ने बहुत बड़ा सहकार्य किया है और उनके साथ में जो भी हमारे सहकारी थे बाकी के उन लोगों ने बड़ा सहकार्य किया है और मैंने खाली उनका उस टाइम में नेतृत्व किया था, बाकी कुछ। थैंक यू विजय। और ऐसे आप मुझे ऐसा लगता है कि आप पूरे बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में खो गए और आपके नेतृत्व में हम 40,000 के अवार्ड देते थे और बॉम्बे आर्ट सोसाइटी से हम बाहर हो गए तो ये अवार्ड 4,00,000 के ऊपर चले गए हैं। इसमें आपकी लगन, अलग अलग प्रयोग, सर्टिफिकेट का अलग रूप देखना, प्रोग्राम के अलग अलग कल्पना करना, बड़े गेस्ट को लेके आना और इसको एक स्टार सोसाइटी बनाना, विजय राउत का एक बहुत बड़ा विजन रहा। ही इज वन ऑफ द विजनरी पर्सन। मैं ललित कला एकेडमी के तरफ से उनका बहुत धन्यवाद तो करता ही हूँ, लेकिन मैं जब ललित कला एकेडमी में अध्यक्ष बना और पहला हमने यहाँ पे जो कार्यक्रम रखा वो विजय राउत को हमने यहाँ बुला के एक पोर्ट्रेट का डेमो रखा और विजय राउत आए और हमारे ललित कला का उन्होंने सम्मान किया। मैं हमारे साथ में आज जो भी जुड़े हैं इस वेबिनार के जरिए कलाकार को देखने के लिए, आप जो भी प्रेक्षक जुड़े हैं, मुझे लगता है उसमें से बहुत सारे कलाकार हैं जो अपने करियर के दिशा में कुछ अटकाव है और उनके लिए अगर ये कैरिकेचर इंडस्ट्री अगर वो दिख रही है तो विजय राव जी जैसे व्यक्ति आपको मार्गदर्शन कर सकती है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट इस तरह से कैरिकेचर के जरिए एनिमेशन कोर्सेज भी चालू कर सकते हैं। देश में आज आने वाले दौर में रोजगार की कमी रहेगी और पेंटिंग के लिए जो भी जर्क आया है उससे उभरने के लिए आने वाले नए कलाकारों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि आप लोग एनिमेशन फील्ड के लिए भी जुड़ सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक कोरोना का कहर जारी है, मुंबई में, दिल्ली में, यहाँ गुजरात में, अभी कुछ जगह पे वो ज्यादा ही है, बाकी जगह में कम होते जा रहा है, ये खत्म होगा। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे भगवान साइंटिस्ट जल्दी से जल्दी इसका बंदोबस्त करे, दवा ढूंढे, टिकिया बनाए और इस बीमारी को रोके, भगवान से यही प्रार्थना है। और जो रोड के ऊपर हमारी सिक्योरिटी दे रहा है, जो हमारा रक्षक है, जो पुलिस है, जो सैनिक है, स्वच्छता कर्मचारी है, आज जो हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर है, हमारे बहना नर्सेस है, जिनके हाथ में हम जान दे के जीने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ऐसे कठिन दौर से अब जब हम गुजर रहे तभी हमने सबने मिलके बहुत संयम से देश के पंत प्रधान के आदेश से और आगे जाने के लिए जी के दिखाना है, सुरक्षित रह के दिखाना है और कला एक उसका आनंद से रहने का माध्यम है। चाहे वो कोविड या कोरोना तुमको तकलीफ देगा, उससे पहले आप जीना सीख लो, कला के साथ जीना सीख लो, पेंटिंग के साथ जीना सीख लो। आने वाला पर्यटन हम कहते देश में हमारे आने वाला है, बहुत सारे म्यूजियम बनने वाले हैं, कला के बहुत सारे प्रकार के म्यूजियम आ सकते हैं,
दुनिया में अगर ये अच्छा पर्यटन शहर बन जाता है तो कम से कम 10 म्यूजियम हम लोग वहां देखते हैं। चाहे आप किसी भी विकसित कंट्री में जाओ, किसी भी शहर में जाओ, ये प्रमाण हमारे यहाँ बहुत कम है। म्यूजियम्स होने चाहिए, टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ने चाहिए और टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ में हमारा जुड़ाव है। हम लोग गैलरी संभालेंगे, रोड साइड के स्कल्पचर संभालेंगे, हम लोग म्यूजियम के अंदर अलग अलग टाइप के मनोरंजन के सिवा भी एक स्टैंडर्ड आर्ट है, कंटेम्पररी आर्ट है, जिसका आर्ट क्षेत्र में मार्केट है। ऐसे कला को भी, ये धन है, कला ये धन है, ये कला ये संस्कृति है, कलाकार संस्कृति का सेवक है। सरकार भी इससे केवल समझता नहीं करके बाजू नहीं करे, और मुझे ऐसा लगता है मोदी जी इसमें बहुत एक बड़े देश के पंत प्रधान के रूप में बागडोर संभाल रहे हैं और हमारे कल्चर मिनिस्ट्री संभाल रही है। तो कलाकारों को उस नजरिए से देखना चाहिए, देश ने कलाकारों को उस नजरिए से देखना चाहिए कि पर्यटन में इनकी मदद हो सकती है, म्यूजियम के लिए इनकी मदद हो सकती है, और बहुत बड़े हमारे खूबसूरत देश में खूबसूरत कंट्रीज के लिए और कई माध्यमों के स्कल्पचर के लिए कलाकारों की मदद हो सकती है। और एनिमेशन आर्ट इंडस्ट्री भी हमारे लिए एक हास्य भाव पैदा करता है, हास्य फुकट में नहीं मिलता है, मन से हंसने का एक स्वभाव रहता है। और मुझे ऐसा लगता है विजय राउत जैसे लोग वहां मन से हंसाने के लिए हमारे कार्टून को एक फॉर्म में बनाते हैं, और ऐसा ही एक कार्टून अभी विजय राउत बना रहे हैं। और मैं कहूंगा कि हमारी जो सेक्रेटरी है कल्चर के, मैं कहूंगा हमारे जो मिनिस्टर है कल्चर के, हम कहूंगा हमारे देश के शीर्ष नेता है, वो समझे कि कला का रूप क्या होना चाहिए। ललित कला एकेडमी हमेशा दो कदम आपके साथ में, हाथ में हाथ लगा के चलने के लिए सब तैयार रहती है, कलाकार विनम्र रहते हैं। बहुत बड़ा कलेक्शन हमारे बहावलपुर हाउस में है, करीबन 8 से 10 हजार काम है, और बड़ा दिल्ली में म्यूजियम बनाना चाहते है, स्कॉलरशिप को बढ़ाना चाहते है, और देश और दुनिया को दिखाना चाहते है कि भारतीय कला संस्कृति क्या है। और मुझे ऐसा लगता है जो मेरा ललित कला का स्टाफ है आज के तारीख में जो भी आते हैं, जो भी जुड़े हैं हमारे साथ में, हमारे मिनिस्ट्री के लोग जुड़े हैं, हमारे नेतागण जुड़े हैं, हमारे रामभाव नाईक जुड़े हैं जो मेरे गुरु है, और हमेशा इन्होंने आदर्श के रूप में हमें मार्गदर्शन किया है, और यही मार्गदर्शन मैं देश के नेतृत्व को चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि ये कला क्षेत्र आपके आधार के ऊपर आपको सही दिशा में ले जाना है, और उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद दे दूंगा। और मेरे स्टाफ जो है उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि बहुत मेहनत से, और मेरी मिनिस्ट्री भी जो कल्चर मिनिस्ट्री है, पुत्रु मैडम है, और हमारे सेक्रेटरी नए आए हुए, और हमारे उनका धन्यवाद अदा करता हूँ, मिनिस्टर का धन्यवाद अदा करता हूँ, प्राइम मिनिस्टर का धन्यवाद अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच चेयरमैन सर, आपने अपनी वैल्यूएबल टाइम आज के समय में आपने इस वेबिनार के लिए दिया, आपको अशेष धन्यवाद ललित कला की तरफ से, हमारी तरफ से। एंड थैंक यू वेरी मच टू विजय जी, एक्सीलेंट डेमोन्स्ट्रेशन, और आपने एनिमेशन एंड कार्टून आर्ट के माध्यम से एक तो आपने आर्ट की प्रमोशन और डेवलपमेंट के बारे में, और इसके माध्यम से कैसे आर्टिस्ट अपनी लाइफ को भी आगे लेके जा सकता है इसके बारे में भी आपने जानकारी दिया, आपको अशेष धन्यवाद। मुझे आपको एक सेकंड के लिए रोकना, लास्ट वाला जो कार्टून बनाया है उसका रसग्रहण आप करिए, और बाद में आप प्रोग्राम को स्थगित करिए। विजय राउत, हाँ, अपने चाइना के जो प्रेसिडेंट है, जिनके तरफ से ऐसा कहा जाता है, कन्फर्म तो कोई बोल नहीं सकते, लेकिन पूरी दुनिया आज उनके ऊपर खपा है कि ये जो कोरोना है, ये कोरोना उनके तरफ से पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, और जो महामारी पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, और जिनका क्या बोलते हैं उसको, एक अपराधी के रूप में लोग आज उनको देखते हैं। मैंने कोशिश की कि उनके चेहरे के ऊपर मैंने जो कोरोना का जो एक आवरण जो ऊपर का जो होता है वही मैंने उनके चेहरे के ऊपर, क्योंकि उनका आकार भी कोरोना जैसा है, और मैंने कोशिश की कि वो जो एक जो पॉइंट्स आते हैं वो पॉइंट्स मैंने चेहरे के ऊपर लगाए, और उनका कैरेक्टर करने की
कैरेक्टर निकालने की कोशिश की। जो ये रेड कलर का जो है उनका एक रेड कलर जो है कम्युनिज्म का, वो मैंने डालने यहाँ पे लाने की कोशिश की है। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बधाई हम देते हैं और कार्यक्रम में बहुत आपने एक हुनर दिखाया, आपका कला का फॉर्म दिखाया, बहुत अच्छा भाष्य किया और मैं चाहता हूँ कि कलाकार लोगों के लिए भी आप इम्प्रेस कर चुके होंगे। कला के द्वारा आपका फॉर्म तो एक्सलेंट है, आप बहुत बड़े कलाकार हो। थैंक यू वेरी मच। और ये आप जो भी देखने वाले मेरे दर्शक है, सबको सर हमारी तरफ देखने वाले दर्शक है सर, थैंक यू वेरी मच। और जितना भी पार्टिसिपेंट्स है सभी को ललित कला की तरफ से भी ऐसे धन्यवाद। और सभी को भी हम अनुरोध करेंगे अपनी फीडबैक ललित कला को वो देंगे, ताकि हम आगे इस प्रोग्राम को भी कंटिन्यू करेंगे, रिपीट भी कर सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच टू डिजिटल इंडिया एंड इट्स टेक्निकल टीम्स एंड ललित कला अकेडमी के सारे ऑफिसर्स एंड स्टाफ एंड टेक्निकल टीम को भी अशेष धन्यवाद। और आपको खास करके बहुत धन्यवाद, और हमारे चेयरमैन साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने समय देके आज हमारी वेबिनार को सक्सेसफुल किया है। और भी एक सूचना देना चाहते हैं, सार के माध्यम से हम इस महीने में और भी वेबिनार अरेंज कर रहे हैं और उसकी सूचना जल्दी से जल्दी आर्टिस्ट समाज के पास पहुंच जाएगा। थैंक यू वेरी मच आज के वेबिनार के लिए, आप सब जुड़े होने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।